ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गांधी ने भी जिक्र किया, क्या आपको लगता है पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हुई, मनमुटाव है वो, या जो भी आपकी शिकायत थी वो दूर हुई है या नहीं? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शैलजा कुमारी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम समर्थकों का तांता है, शैलजा जी के चेहरे पे एक मुस्कान है और लगातार सुबह से लेकर शाम तक आज आप प्रचार में जुड़ी रही। देखा कि आपके अगल और बगल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या हम साथ साथ हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमीन से काम कर रही है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर चिंता कांग्रेस की तब बढ़ गई शैलजा जी जब आप घर पे मतलब कि 10-12 दिन तक प्रचार में दिखी नहीं। आज प्रियंका गांधी ने भी आपका जिक्र मंच से कई बारी किया, राहुल गांधी ने भी जिक्र किया, क्या आपको लगता है पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हुई? देखो पार्टी में सबकी जगह है, सबकी अपनी जगह होती है और ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। मामला तूल तब पकड़ लिया जब आखिरी की जो दो सीटें थी, जो आपका गढ़ था वहां की सीटें आप लगातार मांग रही थी और उन दोनों सीटों को भी आपके पक्ष में आपको नहीं मिले जो कैंडिडेट्स आप चाह रही थी। पर क्या अब जो मनमुटाव है वो, या जो भी आपकी शिकायत थी वो दूर हुई है या नहीं? देखो अब इस चीज को हम, आज चुनाव हो रहा है, जो बातें हैं वो जो तब थी वो अब भी है, लेकिन उस चीज को छोड़े, चुनाव चल रहा है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए सब काम। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में कांग्रेस का चुनाव डाउन हुआ और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रण में आना पड़ा, शैलजा को साथ में, हुड्डा को साथ में लाना पड़ा। आपको लगता है कि अब ये लड़ाई 50-50 की है कि अभी भी कांग्रेस को एज है? कांग्रेस को एज, केवल एज नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम जहाँ खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, यहाँ राहुल जी पहले भी आए हैं, प्रियंका जी भी आई हैं और राहुल जी का तो यात्रा के समय बहुत शानदार यहाँ स्वागत हुआ और बहुत बढ़िया ढंग से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा यात्रा के समय से और उसके बाद भी। तो राहुल जी, प्रियंका जी आते हैं, उनका स्वागत है और एक नई ऊर्जा मिलती है हमें। युवाओं का भी काफी जिक्र हुआ मंच से, आप भी बात कर रही थी, चर्चा कर रही थी जो आप लोग की गारंटीज हैं। युवाओं की जो चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्या वो एक अहम मसला है? क्योंकि बीजेपी भी दूसरी तरफ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रही है, बीजेपी भी उसी तरह से अग्निवीर में गारंटी की बात कर रही है कि अग्निवीर के बाद अमित शाह ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नौकरी नहीं मिले। अब ये कह रहे हैं ना, लेकिन आप ये देख लीजिए हरियाणा के युवा की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हाईएस्ट बेरोजगारी देश में कहीं है तो वो हरियाणा में। और इसके अलावा एक और भी बहुत अहम मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा के युवाओं के सामने, वो है ड्रग्स की। नशा बहुत ज्यादा फैल गया है हरियाणा में और बहुत से युवा उससे त्रस्त हैं और आप समझ सकते हैं अगर युवा इसमें त्रस्त होंगे तो कितने परिवार प्रभावित हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इनके बारे में सरकार ने 10 साल ना देखा ना सुना। आज जो भी ये वायदा करने लगे हैं तो लोगों को इन पर विश्वास नहीं हो सकता है। लगातार बीजेपी जब प्रचार कर रही है तो राहुल गांधी ने अभी भी बोला कि जो इंडिपेंडेंस है या जो छोटे दल है वो बीजेपी की बी टीम है। क्या आपको लगता है कि जो ये इंडिपेंडेंस है या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस? मुझे नहीं लगता विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कई जगह खड़े हैं, कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों का मन कांग्रेस के साथ। क्योंकि मैम अगर पृष्ठभूमि देखें तो कई ऐसी बारी इलेक्शंस में हुआ है जहाँ पे जो क्लोज फाइट थी, अगर आप देखें दो पिछले 3 चुनाव की, तो 50% से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहाँ पे बहुत ही विक्ट्री मार्जिन बहुत कम था और बागियों को उससे ज्यादा वोट। आपका एक आया है, आपके चैनल का एक सर्वे आया है, कुछ हद तक बातें सही हैं, लेकिन इस बार लोगों का मन बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। पर क्या
तो आपको लगता है कि अब एक साथ ही आगे, पहले देखा गया कि कुछ ही इलाकों में आप प्रचार कर रही थी, अगले दो तीन दिन जो आखिरी दिन है प्रचार के, क्या शैलजा अपने क्षेत्र से बाहर? कल मैं सिरसा क्षेत्र में हूँ और एक आध जगह और जहाँ हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। जहाँ हो सकेगा, क्या ये कुछ समय की लिमिटेशन तो है ही। शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। कभी कभी कुछ ना कहता बहुत कुछ कह जाते हैं। और यहाँ पे कुमारी शैलजा समर्थकों से घिरी हुई हैं और हालांकि ये कह रही हैं कि कुछ मुद्दे थे लेकिन अब हम लोग चुनाव साथ लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे पिछले विवादों को वो तूल देना नहीं चाहती हैं और एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से हुड्डा और शैलजा के साथ नजर आए हैं, कांग्रेस को उम्मीद है कि एक संदेश यहां से जाएगा कि कांग्रेस में सरफुटाउल, आपसी सरफुटाउल बंद है और अब निशाना बीजेपी पर है। कैमरा पर्सन सत्य रोत्रे के साथ मौसमी सिंह।